राहुल जी भाई मत करो यार, आगे मत आओ ना भाई, आगे देना आगे नहीं आ रहे भाई, देखो बैरिकेड उठा पुलिस राहुल प्लीज थोड़ा हिल भैया हिलेगा ही। आप केसी वेणुगोपाल प्रेम बना हुआ है। केसी वेणुगोपाल ज्यादा प्रेम नहीं बनेगा। ऊपर चढ़ाऊंगा छत पर। बहुत हिला भैया। नितिन जी देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जब देश की संसद में मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो सड़कों का आलम क्या होगा। और सामने मेरी तस्वीर देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। और जो दो लेन आपको देख रहा है, एक तरफ जो आप मेरे बाहियों साइड की लेन देख रहे हैं उससे आम पब्लिक है और उनकी भी नाराजगी है। यहाँ पर सामने की जो तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ पे पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनके साथ तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम सांसद हैं और उनको इसी रास्ते से संभल जाना था। लेकिन मैं ऊपर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, टॉप एंगल जिसको बोल रहे हैं। पीछे आप देखिए जितने भी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे हुजूम है, नेताओं की लंबी कतारें हैं यहाँ पे और भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसके पहले इसी संबल जाने के क्रम में समाजवादी पार्टी के जो तीन लोगों का जो सांसद थे उनको यहीं पर उन्हें रोका गया था। यहाँ से उन्हें जबरन वापस किया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी खुद गाड़ी से नीचे हैं और हो सकता है कि अपने बहुत जनों को संबोधित करें यहाँ पे अपने लोगों को। लेकिन बार बार आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है। हम बार बार कह रहा है कि देश की संसद में संबल के मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन अखिलेश यादव हो, राम गोपाल यादव हो, राहुल गांधी हो, सब लोग एक तरह से कह रहे हैं कि आखिर संबल में क्या हुआ। संबल में जो हुआ उसके आस पास है, कांग्रेस के आप झंडे दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, सड़कें जाम है, तादाद में राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनके आम पब्लिक है और नाराजगी सबको हटा देगा। फिर अच्छा लगेगा। उनका कहना है कि आप हटा देगा। मजिस्ट्रेट है, आसपास के 4 लोगों को स्पष्ट बनाया से दिखा राजनीतिक नेता हो, हटा देगा।